अस्सलाम वालेकुम। दारेकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूँ आपका मैथ का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 5 की मैथ। यूनिट हमारे पास है 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, एक्सरसाइज आज हमने शुरू की है 1B पेज नंबर 7 पे। आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो आपकी आज की डायरी है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एडिशन के क्वेश्चन है। ठीक है, एडिशन क्या होती है, कैसे होती है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चंस के तौर पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पार्ट ए है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेम तरीका वही जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपने फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना है। यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और इसी तरह बाकी हर एक प्लेस वैल्यू के नीचे उसी की प्लेस वैल्यू का अगला डिजिट। ठीक है, और स्पेसिंग, करेक्ट स्पेसिंग आपने लाजमी देनी है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। 3 + 6 = 9, 2 + 4 = 6, 6 and 3 = 9, 5 and 4 = 9, 8 and 1 = 9, 9 and 0 = 9, 1 or 2 = 3। ठीक है, एडिशन सिंपल है, सिंपल आपको आती होगी। सिर्फ चेंज क्या है, आपने फॉर्मेटिंग और स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट तो आप कर लेंगे, इजी है, बुक में ही आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी एडिशन के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हॉरिजेंटल फॉर्म में और आपको कह रहा है कि इसको वर्टिकल यानी इस फॉर्म में पहले ले गया और फिर इसको सॉल्व करें। तो मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि आपने इस मैसेज को इस फॉर्म में कैसे लिखाना है, बाकी सॉल्यूशन आपने खुद करना है क्योंकि एडिशन है, आपको खुद आती है। और मैंने लास्ट लेक्चर भी एडिशन पे लिया था, सब्ट्रैक्शन पे लिया था और ये वाला लेक्चर भी हमारा एडिशन पे है। ठीक है, करेंगे क्या, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, यूनिट के नीचे यूनिट और 10 के नीचे 10 और बाकी पहली वैल्यू तो आप एज इट इज लिख दें जैसे आपके पास लिखी भी है। ठीक है, 3, 5, 6, 4, 1, 2, 1, ये तो आपको पहली वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू अब स्टार्ट लेंगे लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड से। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, यूनिट 5 है, तो यूनिट के नीचे हमने यूनिट लिख दिया 5, फिर 6, फिर 5, फिर हम आते थाउजेंड्स के कॉलम में, थाउजेंड्स के कॉलम में 3, 7, 4, फिर उसके बाद 2। करना क्या है, इसको ऐड करना। ठीक है, यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और इसी तरह हर एक प्लेस वैल्यू के नीचे उसी की प्लेस वैल्यू का अगला डिजिट आपने लिखना है। सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, मैंने सिर्फ आपको हॉरिजेंटल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में लाना सिखा दिया। वर्टिकल फॉर्म के बाद सॉल्व कैसे होता है वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में मोर देन के क्वेश्चन है, मोर देन यानी सॉरी एडिशन। अब आपको दिया हुआ है कि 500 मोर देन दिस यानी इससे 5000 ज़्यादा करें तो क्या वैल्यू बनेंगे। तो सिंपल 5000 ज़्यादा यानी इसमें प्लस करना है 5000 आपने, तो ये वैल्यू लिखी है आपने 2004 5624, ये वैल्यू लिख दी हमने। प्लस कितना करना है 5000, तो स्टार्ट लेंगे इसके लेफ्ट साइड से 0 0 0 और अगला हमारा 5 यहाँ आ गया। ठीक है, ऐड करेंगे 4 + 0 = 4, यहाँ 2, यहाँ 6, 5 और 5 = 10, तो 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 4 और 1 = 5, 0 का 0 = 0 = 2, तो 5000 मोर देन दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, एडिशन की तीनों क्वेश्चन आपके हैं, एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी के पार्ट आपने खुद करने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।